कुक विद भावना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं ये फ्रूट बिस्किट, बेकरी के फ्रूट बिस्किट जो बहुत ही फेमस है, सभी को बहुत पसंद आते हैं और इनको हैदराबाद की प्रसिद्ध कराची बिस्किट भी कहा जाता है। तो यही हम आज बनाने वाले हैं और आमतौर पर इसमें बटर का इस्तेमाल होता है और आज हम बिना बटर, बिना घी और बिना किसी ऑयल के हम इसे बनाएंगे और वो भी घर में बनाएंगे और कुकर में बनाएंगे हम इसे। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। और रेसिपी शुरू करने से पहले, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। तो हैदराबाद की प्रसिद्ध कराची बेकरी के फ्रूट बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए, यहाँ आधा कप मलाई ले ली है हम। इसमें ना बटर डाल रहे हैं, ना घी और ना ही ऑयल का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ हम मलाई का यूज़ कर रहे हैं। ये आधा कप मलाई हमने ले ली है इसमें। और इसी में हम आधा कप पीसी हुई चीनी ले लेंगे और अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अभी हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच पाइनएप्पल एसेंस। इसे भी मिक्स कर लेते हैं हम। अभी हम इसमें डालेंगे एक कप मैदा। और 1/4 कप यहाँ हमने कस्टर्ड पाउडर लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे हम इसे भी। हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है इस बैटर को। हल्का मिक्स करने के बाद अभी हम इसमें एक छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देंगे और 1 pinch हम इसमें नमक डालेंगे। सभी चीजों को हम अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे हमने मिक्स कर लिया है और अभी हम लेंगे, यहाँ 1/3 cup हमने टूटी फ्रूटी ले ली है। ये टूटी फ्रूटी हमें यहाँ 1 tablespoon मैदे में मिक्स कर देनी है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम, ताकि चारों तरफ टूटी फ्रूटी के मैदा अच्छे से कोट हो जाए। अभी इस टूटी फ्रूटी को हम हमारे बैटर में मिक्स कर देंगे। और एक बार फिर से बैटर में अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। अभी हम हाथों की सहायता से हमारे बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हल्के हाथों से ही मिक्स करना है हमें, ज्यादा मसलना नहीं है बैटर को। हमारा डो बिल्कुल रेडी है अभी। अभी हमें इस बैटर को या इस डो को 2 parts में डिवाइड करना है इस तरीके से। और अभी हम इसे हमारे किचन प्लेटफॉर्म पे या किसी भी बोर्ड पे ले करके और रोल बनाएंगे इसका इस तरीके से। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है हमें इसे। तो ये देखिए, हमने दोनों रोल बना के तैयार कर लिए हैं। अभी हमें इसे क्लिंग रैप करके फ्रीज में रखना है। तो ये हमने इन्हें क्लिंग रैप कर दिया है और अभी हमें 3 से 4 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रखना है, ताकि डो अच्छे से सेट हो जाए। फ्रेंड्स, 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और हमने हमारे डो को बाहर निकाल लिया है कुकीज़ के। और अभी हमें क्या करना है, ये अच्छे से सेट हो गया है तो इस तरीके से चारों तरफ से हम इसे चौकोर करेंगे। ये देखिए, ये शेप हमें देनी है इसे।
ये चौकोर शेप में आ गए हैं। अभी हम इसे खोलते हैं। अभी हमें क्या करना है, एक शार्प नाइफ ले लीजिए आप और उसकी सहायता से लगभग आधे इंच चौड़ाई में हमें इनको कट करना है पीसेज में। बहुत पतले पीसेज नहीं रखना है हमें, लगभग एक ही साइज में आप इसे कट कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से इतना मोटा रखना है हमें। इन्हें हम प्लेट में ले लेते हैं, दूसरा लॉग भी खोल के और उसके भी हम पीसेस कर देंगे। ये देखिए इसे भी हमने पीसेस में कट कर लिया है। तो ये देखिए हमने इतनी कुकीज़ बना के तैयार की हैं इससे। अभी हमें इसे बेक करना है और बेक करने के लिए हम माइक्रोवेव और कुकर दोनों का यूज़ करेंगे। कुकर में कराची बिस्किट बनाने के लिए यहाँ हमने एक कुकर ले लिया है और उसमें हम डालेंगे बेक करने के लिए नमक। ये हमने पहले भी यूज़ किया है। इसे फैला लेंगे चारों तरफ अच्छे से और इसके बाद हम रखेंगे इसमें एक स्टैंड और इसको हम प्री हीट करने के लिए रख देंगे। यहाँ गैस ऑन कर दिया है मैंने और इसकी विसिल निकाल करके और हमें बंद कर देना है ढक्कन को इसके, और लगभग 8 से 10 मिनट हमें इसे मीडियम फ्लेम पे प्री हीट करना है। कुकर हमारा प्री हीट हो चुका है तो यहाँ हमने एक बेकिंग ट्रे ले ली है, उसे हम इसके अंदर सावधानी से रख देंगे। और कुछ कुकीज़ मैंने इसमें रखे हैं और कुछ मैं माइक्रोवेव में बनाने वाली हूँ। कुकर की लिड को हम बंद कर देंगे। लगभग 15 से 20 मिनट हमें इसे बेक करना है लो टू मीडियम फ्लेम पे, और बीच में हम चेक करेंगे एक बार 10 मिनट के बाद। और उधर हमारा माइक्रोवेव जो है वो भी प्री हीट हो चुका है तो बाकी की कुकीज़ हम उसमें रख देते हैं। 180 डिग्री पे हमें लगभग 20 मिनट उसे बेक करना है। कुकर में जब भी आप बेकिंग करें उसकी ये जो रबर रिंग होती है उसे ज़रूर निकालें, इस बात का हमेशा ध्यान रखें, और उसकी विसिल हमें निकालनी है। फ्रेंड्स हमारे टूटी फ्रूटी बिस्कुट बनके बिल्कुल तैयार हैं। ये हमने माइक्रोवेव में बनाए थे और इनको बेक होने में लगभग 20 मिनट लगे हैं, और ये हमने कुकर में बनाए थे इनको बेक होने में लगभग 14 से 15 मिनट लगे हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाए हैं हमने इनको, तो आप भी ध्यान रखें लो फ्लेम पे ही बनाएं वरना इनका जो तला है वो जल सकता है। तो दोनों ही बिस्किट बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हुए हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसमें बनाइए, माइक्रोवेव में या कुकर में, और आप चाहें तो कढ़ाई में भी इसी प्रकार से आप बना सकते हैं कढ़ाई को प्री हीट करके, और बीच में 10 मिनट के बाद आपको चाहे आप माइक्रोवेव में बना रहे हैं या कुकर में या कढ़ाई में, किसी में भी आप बना रहे हैं आपको 10 मिनट के बाद चेक जरूर करना है। तो अभी हम इन्हें ठंडा होने देते हैं, ये अभी बहुत गर्म है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे जो कराची बिस्किट है, फ्रूट बिस्किट है, वो बिल्कुल बनके तैयार है। और आपने देखा कितना आसान है इसे बनाना। इसमें हमने ना घी यूज किया है, ना बटर यूज किया है, ना डालडा, ना ऑयल। इन सब के अलावा हमने सिर्फ मलाई से ये बिस्किट बना के तैयार किए हैं, और वो भी बिल्कुल मार्केट के जैसे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट और क्रंची हैं ये बिस्किट। तो आप ज़रूर बनाइए इस रेसिपी को, घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए, और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ।